आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस? हमारा एक्सपीरियंस स्पीचलेस है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं सर, सर तो वो सर्विसेज हम कोशिश कर रहे हैं हमारी मेडिकल साइड पे इम्प्लीमेंट करने की, और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए वो भी आउट ऑफ द वे है। अगर हम CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिसेंटली पूरे सिंध के अंदर मेगा रिलीफ कैंप्स किए जिसके अंदर आउट ऑफ 100% सारी चीज़ें फ्री थी। इवन अगर किसी को मोबिलाइज करना होता था तो हम सिंध से ऑल ओवर इधर लेकर आते थे हमारे हॉस्पिटल में। सही है, इवन वो मेडिकल इशू हो या सर्जिकल इशू हो, हम A to Z सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। उसके अलावा हमारे और भी CSR एक्टिविटीज़ है, इंशाल्लाह कल परसों है ना, परसों हमारा CSR अवार्ड भी है इंशाल्लाह इस्लामाबाद में सर। तो ये हमारा पहला प्रिविलेज है हम आप लोगों के साथ, और मैंने ये सोचा कि मैं बोला सुनील भाई हमारे स्टॉल पे नहीं आएगा तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। नहीं, मैं उनको वादा करके कहता था मैं सर बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, बल्कि आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू गाइस आर डूइंग, बिकॉज हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना, मैं हमेशा कहता हूँ जो करना है खुद ही करना है, मिलजुल के करना है। हमारी पूरी एफर्ट्स है, पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह नेचुरल डिजास्टर हो या नॉर्मल डेज हो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना रिलीफ हम दे सकते हैं हम उतना देते हैं। और आप खाली सिंध बेस्ड हैं कि पूरे पाकिस्तान? पूरे पाकिस्तान बेस्ड हैं, मतलब जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जहाँ से हमें अपील चाहती है सही तो है। हम वहाँ पे जाते हैं। इवन नॉर्मल डेज में भी अगर कोई लोकल है, कराची का भी है या किसी और पंजाब का सिंध का, अगर वो हमें रीच करता है तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दें या मैक्सिमम लेवल पर जितना हम कर सकते हैं। 300 बेडेड हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है हबरी वर्ड रोड पे। आपको तो इस्तकामत दे, और पार्टी दलों ने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, नहीं अगर लिए थे बताया मैं पकड़ दूँ।